शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 353 केंद्रों पर 45,169 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 31,066 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 14,102 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर बढ़ रही है तथा गोरखपुर के जनता से अपील किया है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं तथा कोविड के नियमों का पालन करें, बिना अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। ये कोविड की तीसरी लहर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर घर में एक सदस्य संक्रमण होता है तो उससे धीरे धीरे पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है तो मास्क का प्रयोग करें तथा बाहर से घर में जाने के पहले हाथ मुंह धोकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच में जाएं, जिससे कि अपने आप को, अपने परिवार और समाज को बचा सकें। और इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए, आज जो है हमारे यहाँ लगभग 432 स्थानों पर टीकाकरण हो रहा है, जिसमें हमारे जो हैं 82 जो हैं बच्चों के लिए हैं, बाकी से इस एडल्ट के लिए हैं। घर घर, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र में हमारी टीकाकरण की टीमें टहल रही हैं। और कल सायंकाल हम लोगों ने 41,000 लोगों का टीकाकरण किया था, जिसमें 20,000 जो हैं हमारे पहली खुराक थी और बाकी जो है 20,000 हमारी द्वितीय खुराक थी। प्रयास ये है कि हम जल्दी से जल्दी सब लोगों को टीकाकरण कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड की तीसरी लहर धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं लखनऊ की गोरखपुर की सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें, बहुत ही आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें। अगर आपके घर में भी बच्चे, बीमार, बुजुर्ग हैं तो उनसे अपनी को दूरी बना के रखें। अगर आप बाहर से आते हैं तो पहले हाथ मुंह धो करके, अपने वस्त्र बदल करके ही इन लोगों के पास जाएं। अगर किसी में कोविड के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड करके, हमारे जो है जहाँ पर सैंपलिंग हो रही है वहाँ पर जा करके अपनी सैंपलिंग करा सकते हैं। और अगर कोविड का कोई लक्षण मिलता है तो आप जो है हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मेरा कोविड केंद्र है, वहाँ से आप जो है उसके में उपयुक्त होने वाली औषधियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तीसरी लहर जो आ रही है, इसमें अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं उससे यह बात प्रमाणित हुई है, ये बहुत ही तीव्र नहीं है लेकिन इसकी संक्रामक क्षमता काफ़ी है। अगर घर में एक व्यक्ति को हो रहा है तो पूरे घर में संक्रमण हो जा रहा है। तो अगर आपने जरा भी खांसी, बुखार, जुकाम का लक्षण लिख रहा है तो मास्क 24 घंटा लगा के रखें और तत्काल अपने पूरे परिवार की जांच कराएं। इस बीमारी को छिपाने से यह बीमारी बढ़ती है और जितनी जल्दी हम इसकी पहचान कर लेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाएंगे। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा परिवार रहेगा, समाज रहेगा। इसलिए मेरा सबसे यही आग्रह है, कोविड नियमों का पालन करते हुए सब लोग वैक्सीन लगवाएं, अपने घर के बच्चे, बीमार और बुज़ुर्ग को बचाएं और साथ ही साथ स्वयं अपने को बचाएं, जिससे कि हम लोग नवीन और भव्य भारत के निर्माण में अपना असीमित सहयोग प्रदान कर सकते हैं।